अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं तो सतर्क हो जाइए। अगर आपने 31 दिसंबर तक अपने खाते से आधार को लिंक नहीं कराया तो आप 1 जनवरी से बैंक से कोई भी लेन देन नहीं कर पाएंगे। अगर ग्राहक ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खातों को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसे लेकर भारतीय स्टेट बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट भी किया है। SBI ने ट्विटर पर बयान जारी करते हुए कहा कि डिजिटल जिंदगी के लाभ उठाने के लिए अपने अकाउंट को आधार से जल्द लिंक करें। इसके लिए 31 दिसंबर आखिरी तारीख है। जो ग्राहक ऐसा नहीं करेंगे उनका खाता 1 जनवरी से तब तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा जब तक आधार नंबर को अकाउंट से लिंक नहीं किया जाता। आप अपने बैंक अकाउंट से आधार को 2 तरीके से लिंक करा सकते हैं। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं। इसमें UID स्पेस आधार नंबर स्पेस खाता संख्या टाइप कर दें। आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इसे 567676 पर भेज दें। मैसेज सेंड होने के कुछ ही समय बाद आपके बैंक खाते से आधार लिंक्ड होने की सूचना मैसेज से मिल जाएगी। इसके लिए आपका मोबाइल नंबर आपके खाते में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर आपको इंटरनेट यानी ऑनलाइन लिंक करना हो तो सबसे पहले अकाउंट नंबर पर लॉगिन करें। इसके बाद आपको यहां आधार लिंक करने का एक लिंक दिखाई देगा। इसके लिए आपका मोबाइल नंबर आपके खाते में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर आपको इंटरनेट यानी ऑनलाइन लिंक करना हो तो सबसे पहले अकाउंट नंबर पर लॉगिन करें। इसके बाद आपको यहां आधार लिंक करने का एक लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने आधार लिंक करने वाला पेज खुल जाएगा। यहां आप अपने आधार नंबर और मांगी गई अन्य सूचनाएं दर्ज कर दें। अगर आपने 31 दिसंबर तक आधार को बैंक खाते से लिंक नहीं कराया तो फिर खाते में पड़े पैसे ना तो आप निकाल सकेंगे ना ही नया पैसा जमा कर सकेंगे। इसके अलावा अकाउंट में फंड ट्रांसफर भी नहीं हो सकेगा। अगर आपके खाते से कोई लोन वगैरह भी चल रहा है तो फिर उसकी किश्त भी जमा नहीं हो पाएगी। प्रशांत महतो, APN।